कैथल से आपको बता रहे हैं, जहां ब्रह्म शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि विधायक रणदीप सुरजेवाला इस खास आयोजन में शिरकत करेंगे। कैथल में ब्रह्म शक्ति सम्मेलन का ये आयोजन, रणदीप सुरजेवाला इस मौके पर पहुंचेंगे। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला इस दौरान लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो इस तरह से चंदाना गेट के 11 रुद्री शिव मंदिर में इस सम्मेलन को रखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश कथोरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कैथल से फोन लाइन पर। राकेश, ब्रह्म शक्ति सम्मेलन का आयोजन कैथल में रखा गया है, खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ कार्यकर्ताओं से कैसे रूबरू होंगे और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला ने अपनी एक्टिविटी तेज कर दी गई है। उसी को लेकर अलग अलग जो बिरादरियों के हैं सम्मेलन जो है रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं। अभी पीछे इन्होंने युवा सम्मेलन भी किया था, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन भी किया था। आज जो है ब्राह्मणों को लेकर जो ब्रह्म सम्मेलन श्री 11 रुद्री मंदिर में करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो वर्ग है उसे भी जो अपना साथ लेकर चलने की जो इनकी जो उम्मीद है उसी को लेकर आज जो है ये सम्मेलन किया जा रहा है। जी नीतू, जी जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग वर्गों के खास तौर पर रूबरू हो रहे हैं लोगों से, तो क्या इस तरह का ये जो सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर खास तौर पर पहुंचेंगे रणदीप सुरजेवाला, कितना प्रभाव डाल पाएगा लोगों से जब वो रूबरू होंगे ये सम्मेलन? जी नीतू, मैं आपको बताना चाहूंगा, अलग अलग वर्गों का जो सम्मेलन रेगुलर जो है रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं, उसी को लेकर जो ब्राह्मण जो वर्ग है, काफी जो उनका वोट बैंक है कैथल में, उसी को लेकर आज जो ब्राह्मण सम्मेलन जो कैथल में किया जा रहा है। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से ये सम्मेलन चंदाना गेट के 11 रुद्री शिव मंदिर में होना है, जहां पर खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला जनता से रूबरू होंगे।